राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वह है पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष की तिथियां 2024 में कब कब पड़ने वाली है, उन सभी जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए कि कौन सा श्राद्ध किस दिन पड़ रहा है। हिंदू धर्म में हर साल पितृपक्ष मनाया जाता है। यह भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। हिंदू धर्म के अनुसार साल के 16 दिन पूर्वजों की पूजा आत्मा और शांति के लिए माना जाता है। इन 16 दिनों को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। शास्त्रों की माने तो इन 16 दिनों में पूर्वज धरती पर आते हैं, ऐसे में पिंडदान करके हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पितृपक्ष के कई नियम भी होते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान लोग पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों पर ज्यादा जोर देते हैं, इसलिए आपको इस साल आने वाले पितृपक्ष की शुरुआत से लेकर समापन तक के बारे में बताते हैं। इस साल श्राद्ध भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर 2024 को प्रातः 11:44 से शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन 18 सितंबर 2024 को प्रातः 8:04 पर होगा। यह थी पूर्णिमा तिथि की जानकारी। आइए जानते हैं 2024 की पितृपक्ष की सभी तिथियां। 17 सितंबर मंगलवार को पूर्णिमा का श्राद्ध मनाया जाएगा। 18 सितंबर बुधवार को प्रतिपदा श्राद्ध। 19 सितंबर गुरुवार को द्वितीया का श्राद्ध। 20 सितंबर शुक्रवार को तृतीया का श्राद्ध। 21 सितंबर शनिवार चतुर्थी श्राद्ध महाभरणी। 22 सितंबर रविवार को पंचमी का श्राद्ध होगा। 23 सितंबर सोमवार को षष्ठी का श्राद्ध सप्तमी श्राद्ध होगा। 23 सितंबर सोमवार को षष्ठी और सप्तमी दोनों के श्राद्ध एक ही दिन मनाए जाएगी। 24 सितंबर मंगलवार को अष्टमी का श्राद्ध होगा। 25 सितंबर बुधवार को नौमी श्राद्ध यानी मातृ नौमी इसी दिन मनाई जाएगी। 26 सितंबर गुरुवार को दशमी का श्राद्ध होगा। 27 सितंबर शुक्रवार को एकादशी का श्राद्ध होगा। 29 सितंबर रविवार को द्वादशी का श्राद्ध यानी मघा श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 30 सितंबर सोमवार को त्रयोदशी का श्राद्ध होगा। 1 अक्टूबर मंगलवार को चतुर्दशी का श्राद्ध है और 2 अक्टूबर बुधवार को अमावस्या का श्राद्ध यानी सर्व पितृ अमावस्या इसी दिन मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत महत्व होता है। पितृपक्ष के दौरान अपने दिवंगत पूर्वजों की मृत्यु तिथि वाले दिन अपने पितरों को तर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता यह है कि अगर परिवार के सदस्यों द्वारा श्राद्ध नहीं किया जाता है तो पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है, जिसके कारण उनकी आत्मा भटकती रहती है। इसलिए पितरों के नाराज होने से जीवन की खुशहाली और शांति छिन जाती है। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण जरूर करें। आशा करती हूँ यह जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए स्पिरिचुअल सोर्स के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियां लाते रहते हैं। जो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।